नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम सभी बच्चों को बताते हैं आम का अचार बनाने का तरीका। आम का अचार बनाना बहुत आसान है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि अमिया जो हैं वो रखी थी और उसको हमने कटवा लिया था, वहीं बाजार में काट देते हैं वो लोग। आप उसमें चाहे जितने पीसेस बनाइए, चार बनवाइए, छः बनवाइए, और उसके बाद उन्हें हल्दी लगा करके एक दिन के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद ये मसाला है जिसका हम आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि कितना मसाला आपको करना चाहिए। ये मेरी 4 किलो अमिया है और हमने इसमें अमिया या कैरी, इसमें हमने ये सारा मसाला डाला है। मसाले को पहले थोड़ा सा भूनना पड़ता है, ऐसे ही भूनना पड़ता है, यानी कढ़ाई में आप कोई तेल वेल नहीं डालेंगे, आप ऐसे ही डालेंगे। और उसके बाद भूनने के बाद फिर उसको पीस लेते हैं। थोड़ा मोटा मोटा पीसना चाहिए और हमें थोड़ा सा कच्ची राई पसंद है, तो हमने अलग से इसमें थोड़ी सी ऐसे ही बिना भुनी राई मिला दी है, हल्दी मिला दी है। और हींग जब आप डालते हो तो हींग डालने के लिए, अगर आपको भुनी हुई हींग पसंद है तो आपको हींग को आटे में लपेट करके भूनना चाहिए हमेशा, जिससे कि वो जले नहीं। और हमको तो कच्ची हींग की स्मेल बहुत अच्छी लगती है अचार में, तो हम उसको कच्चा ही डालते हैं। इसके बाद आपने नमक डाल दिया। नमक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहिए क्योंकि नमक ही प्रिजर्व करता है। और हम अपना जो ये अचार बनाते हैं इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। देखिए, ये हमने हींग डाली है, हींग डाल रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में हींग डाली जाती है, जिससे कि पेट के लिए भी अच्छी होती है वो। और जब अचार आप खाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल होता है, तो अगर हींग रहती है तो आपका पेट उससे ख़राब नहीं होता है। और जैसा हमने बताया कि अचार प्रिजर्व करने के लिए लोग बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं। जैसा कि बाजार में आप लोग जो भी अचार खरीदते हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये देखिए, अमिया को हल्दी लगा करके हमने रखा लिया था और छोटे छोटे पीसेस में करवाया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग खाना नहीं चाहते हैं ऑयल की वजह से, तो इसलिए जो है, हालांकि घर का अचार हमेशा हेल्दी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं आपको मालूम है कि आप सारी चीज़ें शुद्ध डाल रहे हैं। वैसे तो बाजार में आम के अचार का मसाला भी मिलता है, मगर वो मसाले में उतना सब कुछ वो लोग नहीं डालते हैं। हमारे यहाँ ये 65 रुपये का 250 ग्राम मिलता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कितना कम वो लोग मटेरियल डालते होंगे। लेकिन जो बच्चे, अगर उन्हें प्रॉब्लम है बनाने में और मसाला वसाला पीसने का टाइम नहीं है, तो वो खरीद सकते हैं, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले लीजिए। तो इसमें हमने देखिए मसाले में ऑयल मिला दिया, तो ऑयल आपको बहुत अच्छे से मिलाना है, क्योंकि हम लोग इस अचार को ऑयल से ही प्रिजर्व करेंगे। और ये अचार 2-3 साल भी अगर आप इसको रखा रहने दें, यानी 2-3 साल में तो ख़त्म हो ही जाता है, तो इसलिए हम बता रहे हैं, वरना कितना भी आप इसको रखे रहें ये अचार खराब नहीं होता है। बस आपको थोड़ी सी अचार के लिए चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अचार आपको कभी भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। और जब आप, ऐसा दिन है जैसे मेंसेस वगैरह हो रहे हैं, तब भी आपको अचार का जो बर्तन है, मर्तबान है, वो नहीं छूना चाहिए। और गंदी तरीके से अचार को अगर आप छूते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो भी अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि अचार बहुत डेलिकेट होता है। तो देखिए, ये इसमें हमने कैरीज डाल दी हैं, अमिया डाल दी है, और अमिया का जो बीच वाला पोर्शन है वो ज़्यादातर का निकाल दिया है, लेकिन कुछ का लगा रहने दिया है, क्योंकि वो भी जब पक जाता है अचार तो वो बेहद टेस्टी लगता है और उसको खाने में भी बहुत मज़ा आती है। हालांकि वो हल्का सा, थोड़ा सा उसका टेस्ट, जिसको हम लोग अकराना कहते हैं, वैसा होता है, थोड़ा सा बिटर सा टेस्ट होता है, मगर वो अच्छा लगता है अचार के साथ। तो फिर ये देखिए,
उसमें थोड़ा सा ऑयल, और क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग ऑयल का यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे से हमारा अचार प्रिजर्व होगा। तो ये इस तरीके से करके अच्छे से सान के, और ये देखिए हम लोग इसमें अमियां भर ले रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है, जैसे ये हमने जो बनाया है तो ये स्टील के बर्तन में बनाया, लेकिन आप हमेशा या तो प्लास्टिक या कांच का, चीनी मिट्टी का जो बर्तन है हमेशा वही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि अचार अच्छा रहता है। तो ये इस तरीके से भर भर के सारी जो अमियां हैं वो रख दीजिए आप, और उसके बाद आप जिस भी अपने मर्तबान में या जिस बर्तन में रखते हैं, कांच का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन प्रेफर करिए, और उससे ये बहुत अच्छा बना रहेगा आपका अचार। तो प्लास्टिक के डब्बों में भी आप रख सकते हैं, मगर उसमें वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखिए जब आप अचार को धूप में रखते हैं तो अगर आप कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, और प्लास्टिक कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान करता है। तो इस तरीके से आप अचार रख लीजिए, और उसके बाद फिर हम जब इसमें रखेंगे तो फिर हम इसमें पूरा ऊपर तक तेल भर देंगे, जिससे कि तेल में ये हमारा अचार डूब जाए। इस तरीके से भर के आप रख दीजिए, और आप फिर इसके बाद इसको थोड़े दिन आपको धूप दिखानी पड़ेगी, और अचार के मर्तबान पे आप कोई पतला सा कपड़ा बांध दीजिए जिससे उसमें कोई चीज़ जाए नहीं, और शाम को आप उसे उठा के रोज़ अंदर रखिए, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। बनाइए ऐसे अचार।